तो जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सलमान खान वर्सेस केआरके की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि भाई केआरके ने जो है राधे जो मूवी है सलमान खान की उस पर एक रिव्यू वीडियो बनाया, जिसके बाद सलमान खान ने जो है डिफॉर्मेशन केस फाइल कर दिए केआरके पे। जो लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखे है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आप लोग को सारी डिटेल्स बताया। अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर केआरके उन्होंने जो है फिर से कई सारे ट्वीट्स किए हैं, मैं आप लोग को सब तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट आई है। जैसे कि केआरके ने कहा कोर्ट की हियरिंग हो गई है, अगली डेट 7 जून की है। फिर कहा सारे रुखे फैंस न्यू अकाउंट्स बनाकर मुझे गालियां दे रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, तुम लोगों का हीरो सुपरस्टार बन जाएगा, लॉल। वो वक्त हवा हो गया बेटा, अब टीवी सीरियल करेगा। फिर कहा नॉर्मली मैं फिल्म्स को रिव्यू नहीं देता हूँ, जब मुझे उस फिल्म का प्रोड्यूसर एक्टर या डायरेक्टर मना कर देता है रिव्यू करने से, बट अब ये आदमी मुझसे रिक्वेस्ट करे या आके मेरे पैर छुए तो भी मैं इसकी हर मूवी का और हर सॉन्ग का रिव्यू करूंगा, जय हिंद। और फिर कहा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मुझे अलाउड नहीं है सलमान खान के बारे में या उसके केस के बारे में बात करना, इसीलिए मैं सलमान खान की लीगल टीम के स्टेटमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें रिप्लाई करूंगा एक पूरे 20 मिनट के वीडियो के साथ 7 जून 2021 के बाद, अब आर पार की होगी। एंड और भी कई सारे ट्वीट्स थे, मैंने आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट बताया। साथ ही साथ यहाँ पर केआरके ने जो है सलमान खान को लेके एक वीडियो भी अपलोड कर दिए है, अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, लेकिन आइए एक शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं। आज सल्लू दादू ने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया है, उनके हिसाब से उनकी फिल्म राधे बहुत ही जबरदस्त थी, बट क्योंकि मैंने उसका रिव्यू बहुत खराब दिया इसलिए पब्लिक उस फिल्म को देखने नहीं गई और वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। और मुझे आप बताइए जज साहब क्या कहेंगे, मुझे जज साहब ये कहेंगे कि मैं आपके लिए झूठ बोलना शुरू कर दूं, जज साहब ये कहेंगे कि भाई अगली दफा जब सलमान खान की एक वाहियात फिल्म रिलीज होगी तो आप उस फिल्म को 4 स्टार देना जैसे कि बाकी दलाल भांड क्रिटिक्स आपकी फिल्मों को देते हैं, क्योंकि उनको तो आपका इंटरव्यू चाहिए, हमें तो आपके साथ फोटो नहीं खिंचवानी। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जीत सच्चाई की होगी, मेरे एक सच्चे रिव्यू ने आपकी नींद हराम कर दी। अगर आप खुद कहेंगे कि कमाल भाई मेरी फिल्म का रिव्यू प्लीज मत करना तो फिर मैं आपकी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। वैसे गाइस आगे बढ़ने से पहले कहना चाहतोगे भाई अभी तक जो लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज लाते रहता हूं। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है खान सर को लेकर। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया था कि भाई हैशटैग रिपोर्ट खान सर वो जो है ट्रेंडिंग में आ गया था ट्विटर पे। अब जब मैंने उसके बारे में पता किया कि भाई ऐसा क्या हो गया, हैशटैग रिपोर्ट खान सर ये ट्रेंडिंग पे क्यों है, तो मुझे पता ये चला कि भाई खान सर के कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि खान सर वो जो अपने वीडियोस के जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। यहां तक के बताया ये भी जा रहा था कि भाई वो जो है खान नहीं है, उनका जो रियल नेम है वो है अमित सिंह। तो यही सब बातें वायरल हो रही थी खान सर को लेकर, तो उसी का रिप्लाई देते हुए उन्होंने जो है एक वीडियो अपलोड किए हु इज खान सर, खान सर और अमित सिंह। तो इस वीडियो में उन्होंने बताया कि भाई वो जो है खान ही है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को भी अपना पूरा नाम नहीं बताया, जो कि वो वक्त आने पे बता देंगे। और तो उनको लेकर जो वीडियोस वायरल हो रहे थे जहां पर बताया जा रहा था कि वो जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो उसकी भी जो है क्लेरिफिकेशन देते हुए खान सर ने काफी कुछ कहा है, अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, लेकिन आइए एक शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं जो वीडियो उनका सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया। बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला, क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे। खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बछवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लबैक पार्टी वाला यहां पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम YouTube पे आए ही नहीं थे। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें YouTube छोड़ देना चाहिए या नहीं, इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है मिस्टर 507 एंड जुमाना खान की तरफ से। तो भाई इनकी तरफ से जो न्यू सॉन्ग आने वाला था जिसका नाम है मार ही डालोगी, उसका पोस्टर आ चुका है डिस्प्ले पर, आप लोग देख सकते हैं, और ये 28 मई को रिलीज हो रहा है। साथ ही साथ ये पोस्टर आने के बाद मार ही डालोगी आउट टुमारो ट्रेंडिंग नंबर 19 पे आ गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जहां पर कुछ 43,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स किए गए। और तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई अदनान और उसके भाई अब्दुल की तरफ से भी जो है एक रैप सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है सोने की चिड़िया, तो फाइनली वो भी आ रहा है 31 मई को, और ये रहा उसका पोस्टर। अगली जो नजर आ रही है गौरव जोन की तरफ से। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि गौरव जोन उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, अब अरेस्ट करने का रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। होता कुछ ऐसा कि गौरव जोन ने जो है अपने एक व्लॉग में डॉगी को जो है बलून से बांध कर उड़ा रहे थे। सबसे पहले आप लोग वो क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आप लोग को आगे की डिटेल्स बताता हूँ। चलो अब डॉलर को उड़ाते हैं, 3 2 1 ओ डॉलर उड़ा।
तो भाई ये जो हरकत थी वो बहुत ही रिस्की थी। तो ये देखने के बाद काफी सारे लोग जो है आवाज उठाना शुरू हो गए, गौरव जोन को जो है काफी हेट आना शुरू हो गया। लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अरेस्ट किया जाए गौरव जोन को। तो जब काफी हेट आना शुरू हुआ तो गौरव जोन ने जो है एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने माफी मांगे और कहा कि अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग वो छोटी सी क्लिप देख लो कि वो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो, और अगर आपके सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं तो मैं दिल से तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन गाइस इसके बाद होता कुछ ऐसे कि ये जो हरकत थी डॉगी उड़ाने वाली, ये बात पुलिस तक पहुंच गई और दिल्ली पुलिस ने जो है गौरव जोन को अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं उनकी जो है एक वीडियो भी आई है। साथ ही साथ गाइस गौरव जोन ने जो हरकत की है उसी को लेकर यहाँ पर हर्ष बेनीवाल, एंग्री प्राश, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा है। जैसे कि हर्ष बेनीवाल, उन्होंने कहा चिड़िया उड़ खेलते टाइम कुछ ब्लॉगर्स कुत्ता भी उड़ा देते हैं। एंग्री प्राश, उन्होंने कहा डैश लो कॉन्टेंट के लिए डॉग को हवा में उड़ाएंगे बलून्स लगा के, सो इररिस्पॉन्सिबल, शर्म करो यार, व्यूज के लिए कुछ भी। कि जो हुआ उसमें टोटली मेरी गलती थी और मैं उस गलती को मानता हूँ। अभी जैसे मैं हूँ, मैं नहीं जानता गौरव जोन कौन है, और मेरे सामने वो 5 या 10 सेकंड की वो आएगी इमेज, तो उससे मैं बहुत गलत, मैं खुद ही कहूंगा कि ये बंदे ने गलत करा, बट आगे पीछे का कोई बात नहीं कर रहा। वो बंदा कैसा है, उस बंदे का उस डॉग के साथ रिलेशन कैसा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं बता रहा कि हाँ भाई इसकी पहले की वीडियोस देखो, ये डॉलर के लिए क्या क्या करता है, और डॉलर इसका एक बच्चे जैसा उसके बच्चे की ट्रीट करता है। गाइस मेरी आपने एक में भी देखा कि किसी ने डॉलर का हाल पूछा, उनके लिए मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि डॉलर ये रहा, और डॉलर पूरा अच्छा, ये मेरी जान है, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी प्लीज। अब आकाश जैसे बंदे को आप इतनी हेट दे रहे हो, आकाश क्या मैसेज कर रहे हैं, एक बारी मैसेज खोल दू, आकाश को मैसेज कर रहे हैं, पढ़ो। तेरे मुंह पे एसिड फेंक के मजा आएगा, फिर एसिड के साथ जब जलेगा तू, तुझे बैलून्स के साथ बांध के ऊपर भेजते फिल्म। यार गलती मेरी, आप मेरे को बोलो, ऐसे मत करो भाइयों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आप मेरी जगह आप खुद को रख के देखो, ठीक है, सेम सिचुएशन जैसे मेरे साथ हुआ आप रखो, और आपके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी फिर आप वो भी सोच लो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ उनको इन्वॉल्व मत करो, जो भी है फांसी लगानी है मेरे को लगा दो, मैं लाइव में बोल रहा हूँ, फांसी लगानी है मेरे को लगा दो यार। कि मेरे से गलती होगी, माफ कर दो यार। तो भाई गौरव जोन की आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से। जैसे कि आप लोग को पता है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वो जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन डेट क्या होगी, आखिर वो कब आएगा, तो इसी पर हिंट देते हुए मॉर्टल उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 डेट है इसमें किसी चीज की। आप लोग समझ ही सकते हैं भाई वो जो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में ही कह रहे हैं। तो उस पर जो है लोगों ने काफी गेस किए, जैसे कि 12 13 14 15 12 13 14 15 21 23 24 25, ये कुछ डेट है जो पॉसिबल है। तो भाई ये थी कुछ हिंट, ये कुछ 7 या 8 डेट में से कोई एक डेट हो सकती है जिस दिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आने वाला है। अब देखते भाई कब आता है। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पारस ऑफिशियल की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियोस में बताया कि भाई पारस ऑफिशियल उसने जो है एक वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मजाक बनाया, अरुणाचल के जो MLA है उनका मजाक बनाया, जिसके बाद पारस ऑफिशियल को जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो अब उसी को लेकर एक छोटी सी अपडेट आई है। दरअसल पारस को लेकर नहीं है, लेकिन पारस पे जो है मुंबई कर निकली, उन्होंने कुछ कहा, देश में रहकर अरुणाचल प्रदेश कहा है नहीं पता, और वहां के लोगों को चाइनीज बोलकर कूल लगने की कोशिश करना, बीइंग रेसिस्ट इज नॉट कूल। बाकी अभी पारस को लेके इतनी कुछ अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर आगे की कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। तो भाई कैरी की तरफ से जो नई वीडियो आई है बिग बॉस पर, उसी को लेके उन्होंने जो है एक स्टोरी अपलोड किए है जहां पर लिखा है जो रिसेंट वीडियो आई है ऐसा लग रहा था कि भाई उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो गया था हमारे आसपास की जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है उसकी वजह से। मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां मैं टूट गया हूं और सोचता हूं कि ये सब इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब हमारे खिलाफ होते हैं, बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हम फिर भी वीडियो रिलीज कर पा रहे हैं। मैं इसके लिए यूनिवर्स से बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, और ये फेवर वापस करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के एड्स के जरिए जो अर्निंग होगी मैं उसे कंट्रीब्यूट करूंगा नोबल कॉज के लिए। तो भाई ये थी कुछ अपडेट कैरी मिनाटी को लेकर। साथ ही साथ अभी जिस समय मैं शूटिंग कर रहा हूँ भाई कैरी मिनाटी वो लाइव है, तो अगर इस लाइव स्ट्रीम में से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकलती है तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा। यार ये तुम प्रमोशन ही क्यों करे जा रहे हो यार, और कुछ चल ही नहीं रहा है, एक तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है ना, वरना मैं ना सॉर्ट करूंगा सारी चीजें, एक स्पैम नहीं होगा, तो बहुत गुस्सा आता है ये सारी चैटों पे प्रमोशन, पॉइंट ही नहीं है उसका भाई, लिटरली कोई पॉइंट नहीं है भाई। लेकिन तुम्हारे कहाँ समझ में आने वाली, कर लो तुम एक काम करो, तुम कर लो, देख लेते हैं कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, फिर कितना लंबा चल जाएगा कितना लंबा नहीं चलेगा। एक दिन आएंगे वो लोग, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे सारे के सारे। 1000 है 2000 करवा लो, अपने 10,000 करवा लो, तुम क्या फायदा है उसका, क्या फायदा उसका, देखेंगे उतने ही जितने पहले थे, वही लोग जा रहे हैं चैनल पे, यहाँ से जितने लोग गए तुम्हारे पास आए पहुंचे, जितने भी 1000 2000 पहुंचे वो नहीं देख रहे वापस आके, बट तुम्हें शौक है तुम करो, तुम्हें तुम्हारी अंदर का अंदर सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, तुम्हें कर लो, तुम कर लो,
नंबर देख के खुश हो जाती है ना, ऐसी खुशी मिलती है ना नंबर देख के, कर लो। मैंने भी किया, कोई बात नहीं, मैंने भी किया, पहले हम भी करते थे, कर लो तुम भी, सीख मत लेना, कर लो। अब मैं बोल दूंगा कि भाई जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके चैनल पे जाके ऐसे ये वो ये लिख दो, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसका कोई पॉइंट नहीं है। क्यों करना है ये काम, क्यों? लिटरली साल साल भर हो चुका है ये चीज़ें कहते कहते, कोई मजाक की भी बात नहीं है, साल भर हो चुका है ये चीज़ें कहते कहते, आखिरी बार कह रहा हूँ यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है न्यूज़ बॉय की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि भाई न्यूज़ बॉय वो जो है इनएक्टिव है अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और उसका रीजन ये था कि उसका जो है एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन अब फाइनली न्यूज़ बॉय वापस आ चुका है, जी हाँ। और आने के बाद उसने सबसे पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उसने सारी डिटेल्स बताया कि भाई उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आइए इस वीडियो में से एक शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं जहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मैं जो स्कूटी में था एंड मैं आगे था एंड बहुत ज्यादा स्पीड चला रहा था, उसके बाद क्या होता है कि एक ब्रिज आता है, ठीक है, और वो ब्रिज ऐसा है कि थोड़ा सा टर्न लेना पड़ता है एंड देन फिर वो ब्रिज मिलता है। उस तरफ से एक कार आता है, अपर पे था वो उसका लाइट, तो मैं मेरा आंख मतलब ये मैं कुछ देखा ही नहीं, दो सेकंड के लिए एकदम मतलब ब्लैंक दिख रहा था वो लाइट, क्योंकि मेरे आंखों पर पड़ गया था एंड एकदम से वो कार पार हो गया, तो मैं कुछ देखा ही नहीं। फिर उसके बाद होता है कि दो सेकंड के लिए मैं जैसे बताया मेरा आंख जो मैं कुछ देख नहीं रहा था, फिर उसके बाद मेरा स्कूटी एंड जैसे कि मैं बताया था मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में था, फिर मेरा स्कूटी जाके सीधा ब्रिज में मतलब टकरा जाता है एंड फिर मैं गिर जाता हूँ। फिर एल्बो का पूरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ था एंड मेरा राइट लेग का जो घुटना है वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था, घुटने में थोड़ा सा मतलब स्लाइट फ्रैक्चर हुआ है। शाम को 3:30 के आसपास मेरा ऑपरेशन हुआ एल्बो का। अगली जिन उजारी वो रही थगेश की तरफ से। तो भाई काफी सारे लोग जो है थगेश को नई वीडियो से रिलेटेड अपडेट पूछ रहे थे, तो उसी पर जो है उन्होंने स्टोरी डालते हुए कहा, जो लोग नई वीडियो के बारे में पूछ रहे हैं, वीडियो आ जाएगी 2 दिन में, कुछ हो गया था और मैं अपने राइट मेंटल स्टेट में नहीं था, अभी भी नहीं हूं और ना ही होगा, लेकिन शो चलते रहना चाहिए। एंड अगर अब बात करते हैं अचीवमेंट की, तो जैद दरबार के हो गया है 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, अश्नूर कौर को फीचर किया गया पुणे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दून टाइम्स, दिल्ली टाइम्स के आर्टिकल में, और आसिम रियाज को भी जो है कई सारे आर्टिकल्स में फीचर किया गया। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ये रही आईडी। मिलते हैं सच्ची वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, स्लैप।